गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में लेकर आई हूँ मैं आप सभी के लिए बीकॉम फर्स्ट ईयर के बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक जो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इस टॉपिक में हम पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ पॉजिटिव साइंस, व्हाट इज़ नॉर्मेटिव साइंस, और उसके बाद हम उसको इकोनॉमिक्स से रिलेट करेंगे। देखिए हम पढ़ते हैं पॉजिटिव साइंस क्या है। पॉजिटिव साइंस केवल यह डिस्क्राइब करता है व्हाट इट इज़, मींस कोई भी एक सिनेरियो है, कोई भी एक एस्पेक्ट है, कोई भी एक वेरिएबल है, तो वो वेरिएबल क्या है। पॉजिटिव साइंस यह नहीं इंडिकेट करता है कि यह सोसाइटी के लिए अच्छा है या नहीं है। पॉजिटिव साइंस यह नहीं इंडिकेट करता है कि सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है या सोसाइटी के लिए क्या अच्छा नहीं है। पॉजिटिव साइंस सिंपली प्रोवाइड रिजल्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ अ प्रॉब्लम। किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के एनालिसिस से हमें जो रिजल्ट्स मिले हैं, पॉजिटिव साइंस केवल वह रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। अ पॉजिटिव स्टेटमेंट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, यह तथ्यों पर आधारित होता है। इसमें किसी तरह की पर्सनल ओपिनियन या सजेशन नहीं होता है। पॉजिटिव साइंस में हम पॉजिटिव साइंस को ही पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से रिलेट करते हैं। तो देखिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रेफर्स टू एन एनालिसिस ऑफ फैक्ट। फैक्ट्स मतलब तथ्यों के एनालिसिस को ही हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हमारा मेन लक्ष्य होता है जो भी हमारा डेटा है उसको अधिक से अधिक शुद्धता, अधिक से अधिक एक्यूरेसी के साथ में प्रेजेंट करना। उसमें हम देखते हैं कि इकोनॉमिस्ट अगर किसी इकोनॉमी को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब किसी इकोनॉमी की किसी सिचुएशन को अगर वो विश्लेषण कर रहा है, बता रहा है, विवरण दे रहा है, या फिर हमारी इकोनॉमी में किस तरह से चेंजेस होने वाले हैं, उन चेंजेस के बारे में अगर वो कोई प्रेडिक्शन दे रहा है, और अगर वह अलग अलग अल्टरनेटिव्स और अलग अलग अल्टरनेटिव्स के इफ़ेक्ट्स को वर्णन कर रहा है, तो इन सभी को हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में इन्वॉल्व करते हैं। मोस्ट पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर टेस्टेबल। आप पॉजिटिव स्टेटमेंट्स की शुद्धता एक्यूरेसी को टेस्ट कर सकते हैं। इट डील्स विद कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो डील करता है वो है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, मीन्स किस कारण से क्या परिणाम आया है। दो वेरिएबल हैं तो पहला वेरिएबल किस तरह से चेंज हो रहा है और पहले वेरिएबल में होने वाले चेंजेस दूसरे वेरिएबल को किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। इट मीन्स कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स विवरणात्मक विश्लेषण है। अब हम देखते हैं व्हाट इज नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है। देखिए, नॉर्मेटिव साइंस में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड, क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। इट प्रेस्क्राइब्स व्हाट शुड बी डन टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर, मीन्स सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम सोसाइटी का वेलफेयर किस तरह से बढ़ा सकते हैं। अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स एथिकल वैल्यूज़। एथिकल मीन्स जो मॉरल वैल्यूज़ है, जो नैतिक मूल्य है, उनको वह इन्वॉल्व करता है। नॉर्मेटिव साइंस हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो भी हमारी सोसाइटी का पुअर सेक्शन है, जो भी महिलाएं हैं, जो भी बच्चे हैं, या जो भी पुअर है, अनएम्प्लॉयड है, उनके उत्थान के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये सभी आता है नॉर्मेटिव साइंस में। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम क्या देखेंगे, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे कि दिस इज़ अ एनालिसिस विच इज़ बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट मीन्स कि ये अच्छा है या ये अच्छा नहीं है। इट इज़ फोकस्ड ऑन व्हाट वी बिलीव शुड बी और ऑट टू बी, मतलब हम जो चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं, वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इन दिस वी मेक वैल्यू जजमेंट एंड स्टेट आर ओपिनियन रादर देन कन्फाइनिंग आर सेल्फ्स टू अ डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्स। सिर्फ तथ्यों का विवरण करने की बजाय इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे नैतिक मूल्य क्या हैं, और हम
हमें वो काम करना चाहिए या काम नहीं करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है, यह एक फैक्ट है जिसको हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में लेंगे, लेकिन हम ये कहें कि गवर्नमेंट को गरीबी मिटाने के लिए कदम उठाना चाहिए तो यह एक तरह का सजेशन है जिसको हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में लेंगे। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में सबकी अलग अलग राय होती है जिसको हम प्रयोग के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते हैं, इट इज़ नॉट टेस्टेबल। इसको हम पर्सपेक्टिव एनालिसिस भी कहते हैं, मीन्स किसी भी संदर्भ में अलग अलग चीज़ों का एनालिसिस क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस क्या है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। जैसे देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि हाउ मच विल अ न्यू पेट्रोल टैक्स रेज द प्राइस ऑफ पेट्रोल। अगर गवर्नमेंट किसी तरह का नया पेट्रोल टैक्स लगा रही है तो वो किस तरह से पेट्रोल की प्राइस को रेज करेगा, यह है एक तथ्य जो कि पॉजिटिव साइंस में आएगा। जबकि शुड देयर बी अ न्यू पेट्रोल टैक्स, न्यू टैक्स ऑन पेट्रोल, मीन्स क्या गवर्नमेंट को पेट्रोल पे नया टैक्स लगाना चाहिए, तो यह एक तरह का एथिकल वैल्यू है, इसलिए यह नॉर्मेटिव में आएगा। विल एन इंक्रीज इन द मिनिमम वेज इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, क्या मिनिमम वेजेस में इंक्रीमेंट करने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, यह एक तरह का प्रश्न है जिसको हम तथ्य के आधार पर टेस्ट कर सकते हैं, इसलिए यह पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है। जबकि शुड देयर बी एन इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस, क्या मिनिमम वेजेस में इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो जहाँ पे भी क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए इसका विश्लेषण होता है, उसे हम लेते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, व्हाई इज़ द प्राइस ऑफ पॉपकॉर्न इज़ 4.20, मीन्स पॉपकॉर्न की प्राइस 4.20 रुपीज़ क्यों है, यह एक तरह का सवाल है जिसका जवाब किसी न किसी फैक्ट इंफॉर्मेशन तथ्य पर आधारित होगा, इसलिए यह पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है। लेकिन अगर सवाल बदलकर ये कर दिया जाए कि पेट्रोल का प्राइस क्या होना चाहिए, मीन्स क्या एक वाजिब प्राइस, सॉरी पेट्रोल नहीं है यहाँ पे, पॉपकॉर्न है, कि पॉपकॉर्न का एक क्या वाजिब प्राइस कस्टमर से लिया जा सकता है, तो जहाँ पे भी शुड आ जाएगा वहाँ पे हम एथिक्स की, मॉरल वैल्यूज़ की, नैतिकता की बात करेंगे, तो वो हो जाएगा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट। तो इस तरह से हमने देखा कि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो पॉजिटिव भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है, मीन्स इसमें हम तथ्य, इंफॉर्मेशन, फैक्ट, डेटा की भी बात करते हैं, तो इसमें हम इकोनॉमी में कैसे सिचुएशन होनी चाहिए, प्राइस लेवल क्या होना चाहिए, एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को किस तरह की पॉलिसीज बनाना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है और अनएम्प्लॉयमेंट को कम कैसे करना चाहिए, पॉवर्टी कितनी है और पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स कैसे होने चाहिए, गवर्नमेंट का बजट क्या है और गवर्नमेंट के बजट में क्या कमियां हैं, उसमें क्या सुधार हो सकते हैं। तो इस तरह से पूरी इकोनॉमिक्स पॉजिटिव भी है और नॉर्मेटिव भी है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी की आधारभूत समस्याएं क्या है। थैंक यू।